हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड अमित कपूर। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं सन महादशा। सन की प्लेसमेंट अलग अलग हाउसेज में, आपके नेटल चार्ट में बाय बर्थ सन किस हाउस में थे जब आपका बर्थ हुआ था, जब आप इस धरती पर, इस अर्थ पर पैदा हुए थे, तो सन की क्या पोजीशन थी आपके चार्ट में। गाइज, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था आज से शायद एक दो महीना पहले, जो सन की नेचर के बारे में बताता था। आज मैं डिस्क्राइब करूँगा आपको सन की प्लेसमेंट विद इन ईच एंड एवरी हाउसेस फ्रॉम फर्स्ट हाउस टू ट्वेल्थ हाउस। और ये प्रेडिक्शंस जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शंस जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ सन की, अगर आपके ऊपर सन की महादशा नहीं है तो भी ये आपके ऊपर अप्लाई होगी, लेकिन अगर आपके ऊपर सन की महादशा है तो ये आपके ऊपर 100% अप्लाई होगी। क्योंकि जिस प्लैनेट की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो हमारी हॉरोस्कोप में, उस प्लैनेट का इफेक्ट इंसान के ऊपर उस समय तक ज़्यादा रहता है जब तक उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो इंडिविजुअल चार्ट में। लेट्स स्टार्ट फॉर द सन इन थर्ड हाउस। गाइज, इफ यू हैव अ सन इन थर्ड हाउस, इट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल प्लेसमेंट ऑफ द सन। अगर थर्ड हाउस में सन एग्जाल्टेड है या अपने फ्रेंडली साइन में है, तो आदमी शूरवीर की तरह लड़ेगा लाइफ में, अपनी लाइफ की मुश्किलों के साथ। ऐसे बंदे के अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं होती, ऐसा इंसान खुद भी खाता है और लोगों को भी खिलाता है। लाइफ में बहुत राइज करता है, बहुत तरक्की करता है, फेम और प्रॉस्पेरिटी कमाता है। छोटी एज से ही, यानी 22nd ईयर से ही वो लाइफ में कमाना शुरू कर देता है। अर्निंग उसकी मल्टीपल सोर्सेज से होगी, छोटे भाई बहनों के साथ उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा लगाव रहेगा, प्यार रहेगा, और हमेशा अपने छोटे भाई बहनों के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। थर्ड हाउस में अगर एग्जाल्टेड सन है, फादर हमेशा इसकी सपोर्ट में खड़े होंगे। फादर के साथ किया गया बिजनेस बहुत ज़्यादा लाइफ में इसको राइज दिलाएगा, फादर की एडवाइस लाइफ में राइज दिलाएगी। गाइज, अगर थर्ड हाउस में नेगेटिव सन है तो भी इंसान के अंदर किसी किस्म के शौर्य की या हिम्मत की कमी नहीं होगी, क्योंकि थर्ड हाउस एक ऐसा प्लेसमेंट है। थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इलेवंथ हाउस में सन अगर नीच का भी है तो भी बहुत पावरफुल माना जाता है। सो गाइज, अगर आपके नेटल चार्ट में सन डेब्रिटेटेड है, एनिमी साइन में है थर्ड हाउस में, तो भी आपके अंदर बड़ी गजब की विल पावर होगी। आप लाइफ की संघर्ष बहुत आराम से आप उसको क्रॉस करोगे, अपनी लाइफ में मुश्किलों को बड़े आराम से आप निकालोगे और ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनोगे, अगर आपका थर्ड हाउस में नेगेटिव सन भी है तो। लेकिन फिर भी अगर नेगेटिव है तो हम ऐसी कौन सी रेमेडी करें जिससे हमारा सन और पावर में आए और हमारा फेम और प्रॉस्पेरिटी बढ़े। क्योंकि थर्ड हाउस का सन अगर नेगेटिव है तो आप रिस्पेक्ट नहीं कमा सकोगे लाइफ में। पैसा ज़रूर कमा लोगे, विल पावर होगी, ज़िंदगी में तरक्की कर जाओगे, फेम प्रॉस्पेरिटी भी होगी, लेकिन जो आप डिज़र्व करते हो रिस्पेक्ट, वो आपको थर्ड हाउस का नेगेटिव सन नहीं देगा। सो गाइज, आपके लिए सबसे पहले रेमेडी, 800 ग्राम गुड़ चलते पानी में जल प्रवाह करें एवरी संडे मॉर्निंग। कभी भी आपने गुड़ नहीं खाना, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपने कभी भी गुड़ नहीं खाना अगर आपका थर्ड हाउस में डेब्लिटेटेड या एनिमी साइन में सन है। और 800 ग्राम गुड़ एवरी संडे रेगुलर 7 वीक, तो मिनिमम आप जल प्रवाह करें बिफोर ब्रेकफास्ट। नो मोर अबाउट प्लेसमेंट ऑफ द सन इन हॉरोस्कोप, विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।